आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 57 के नयापुरा स्थित शमशान घाट की, जहां पर मरने के बाद भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हो पाता है, ना ही अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को बैठने और नहाने धोने की सुविधा मिल पाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नयापुरा शमशान घाट, जिसके अंदर से कई क्षेत्र से लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से मुक्तिधाम पर काफी अव्यवस्थाएं जो है वो फैली हुई है। लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार स्थल पर टीन शेड पूरे तरीके से टूटे हुए हैं, जहां पर बरसात के समय मुर्दे का अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं हो पाता। कई बार तो चिता जलती रहती है, ऊपर से बरसात हो जाती है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के लिए नहाने धोने की व्यवस्थाएं भी की गई थी, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया है। दिन भर मुक्तिधाम के अंदर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लाइटें जो हैं वो टूटी हुई हैं, ऐसे में रात के समय कई बार बड़ी परेशानी होती है। पास में जेकेलोन अस्पताल है, छोटे बच्चों की मौत के बाद उन्हें भी दफनाने के लिए यहीं लाया जाता है, लेकिन बच्चों का मुक्तिधाम भी काफी दुर्दशा का शिकार हो रहा है। ये 3 साल से ऐसे ही जर्जर हो रहा है, इसका किसी के ऊपर ध्यान नहीं है। यहाँ की स्थानीय पार्षद बहन वो मेघा गुजर जी ने भी इसकी निगम में हर जगह, मतलब जहाँ से भी इसकी वो हो सकती थी, सब जगह 2-3 पत्रकार वगैरह भी पहले भी इसकी यहाँ पर ये फोटो वोटो खींच के लेके गए, मगर इसका कोई ध्यान नहीं है। पहले तो ये कहते रहते हमारी सरकार अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब ये सनातन धर्म चुनाव आते ही तो सनातन धर्म की बातें करते हैं, और जब चुनाव निमटते ये सनातन धर्म का अगर ये केंद्र नहीं हो, यहाँ अगर सनातन धर्म के आदमी अगर यहाँ निलाए जाते हों, यहाँ ऐसी हालत है कि एकदम कभी भी किसी भी टाइम भी पानी आ सकता है। अभी सवेरे भी यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था, अब जैसे इस पर यहाँ लगा देते हैं मौसम साफ देख के एकदम पानी आ जाता है, जलती चिता को एकदम हटा नहीं पाते हैं, सब लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, उसको ऐसे वैसे एडजस्ट करते हैं, पर वो समझ में नहीं आता। पहले तो एक टूट रहा था, अब ये तीनों टूट गया। अभी लोकसभा के चुनाव में सनातन धर्म यूं है, ये है शेर, वो ऐसे है, और अब यहाँ कोई धनी धोरी नहीं है इसका। ठीक है, शुभ नाम आपका? मेरा घनश्याम कुमार। भैया क्या स्थिति है इस नयापुरा मुक्ति धाम की? सर जी, मुक्ति धाम पे भी मैं थोड़े दिन पहले एक डेट हो गई थी, जो रात को 10 बजे तक हम जला रहे थे यहाँ पर, तो उस कारण कि यहाँ पर बरसात की वजह से वो जल नहीं पाई ढंग से, इस तरीके से बड़ी मुश्किल से उसमें पेट्रोल वेट्रोल डाल उल के, वो टीन सेट भी टूटे हुए, पूरे नीचे खड्डे हुए, दीवारें टूटी हुई है, ट्यूबलाइटें नहीं है इन पे, तो अंधेरा गपा गप था सर। उसके बाद भी बीच में भी एक लड़की बहुत शांत हो गई थी, जवान मोटा, जब भी आए, जब भी ऐसे ही बरसात आ गई जो पूरी, वो बड़ी मुश्किल से वो भी ऐसे ही पेट्रोल वेट्रोल डाल के जलाने पड़ा। इस कारण उसका कोई बंदोबस्त कराया जाए, जिसपे टीन सेट वगैरह कराया जाए, भाई जिस भी सरकार का कार्य है वो सरकार उसको जल्दी से जल्दी कराया जाए। टाइलें भी टूटी हुई जगह, टाइलें टूटी हुई जगह जगह, दीवारें टूटी हुई है, ट्यूबलाइटें टूटी हुई है इसकी, तो ये निवेदन है कि इन सरकार से, कि जो भी सरकार बैठी हुई है उनसे ये कार्य करने की अनुमति हमारी, कि भाई ये हिंदू धर्म का आता है, ये सभी समाज आती है इसमें, रात बिरात में कोई सी टाइम पे जलने के लिए। नाम बताए आपको? राजेश कुमार जी। सर बिल्कुल निश्चित रूप से ये वार्ड नंबर 57 कोटा उत्तर नगर निगम क्षेत्र में आता है, और क्षेत्र सबसे बड़ा दाह संस्कार स्थान है। चलिए पूर्व में भी नगर निगम बोर्ड बैठक में अपनी श्रीमती मेघा गुजर उन्होंने मुद्दा उठाया था, और सर जैसा कि आप देखना चाहेंगे सर, यहाँ अंधेरा रहता है, टाइल्स जो है वो पूरी उखड़ी हुई है, सुरक्षा दीवार टूटी हुई है, और यहाँ पर नज़दीक में जो कि बच्चों का शमशान है वहाँ भी ये स्थिति है कि सर जो जंगली जानवर है, जिस दिन शव को दफनाया जाता है उसके भी दिन आधे घंटे बाद में शव को निकाल के रोड पर नोचते फिरते हैं। मेरा सिर्फ प्रशासन, मैंने विधायक जी, स्थानीय लोग जो सांसद साहब हैं उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि साहब इसका पूर्ण वो करवाएँ,